गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर निवासी भाजपा के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल को भाजपा ने बनाया राज्यसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक चीफ व्हिप। बड़ी जिम्मेदारी, जताया भाजपा हाईकमान के प्रति आभार। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर महानगर के दो थाना क्षेत्रों में लगाए गए लॉकडाउन की स्थिति का मंगलवार को डीएम और एसडीएम सदर ने लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर के मंडलायुक्त के निजी सहायक और गीडा कर्मचारी संजय कुमार शर्मा की मंगलवार को कोरोना से हुई मौत, कमिश्नरी कार्यालय से लेकर उनके शुभचिंतकों में शोक की लहर। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा सिकरीगंज थाने का किया गया औचक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, कस्बों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बढ़ाए पुलिस पिकेट और पेट्रोलिंग, अपराध पर लगाए अंकुश। रोस्टर का अनुपालन न करने वाले दुकानों पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। हिमालय मेंस पार्लर, कंचन कॉम्प्लेक्स, कूड़ा घाट, वैष्णवी गारमेंट मोहद्दीपुर को किया सील। बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों से वसूले 2900 रुपए। महानगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन बुधवार को हुमायूंपुर और रायगंज में लगवाएंगे हेल्थ कैंप, सभी लोगों का होगा स्वास्थ्य जांच। गोरखनाथ और शाहपुर थाना क्षेत्र में 27 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन, एसपी सिटी ने लोगों से की अपील। कहा, बिना जरूरत के ना निकले घरों से बाहर, लॉकडाउन का करें पालन। सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने महवा मंडी का किया निरीक्षण, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए दुकानदारों से की अपील। गोरखपुर जिले में मंगलवार को 3 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत, 65 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1207, 602 स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। अब तक 26 की हो चुकी है मौत। जिले में 589 एक्टिव है कोरोना मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। महानगर में लॉकडाउन नियमों की अनदेखी कर बिना मास्क और हेलमेट के घूमने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। एसपी सिटी ने कहा, बिना मास्क और हेलमेट के घरों से निकले बाहर तो होगी कार्रवाई। कलेक्टर परिसर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर 48 घंटों के लिए किया गया सील। एडीएम सिटी ने कहा, 48 घंटों में सैनिटाइजेशन करके दूर किया जाएगा संक्रमण। सहजनों में बाढ़ प्रभावित गांवों का एडीएम फाइनेंस ने किया निरीक्षण, बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा, लोगों को किया आगाह। कहा, किसी भी तरह का नहीं है बाढ़ का खतरा। और शेरनी दस्ते को कराए जा रहे कैप्सूल प्रशिक्षण कोर्स के दूसरे दिन सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने किया ब्रीफ। कहा, समाज में लोगों से बेहतर समन्वय स्थापित करने और पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने में निभाएंगी अहम भूमिका।